अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है, उसका उत्तर नहीं आया। किसी सूरत में स्थानांतरित नहीं हो सकती। आपका कथन गलत है। गलत है नहीं बोलता, सही नहीं है। पैसा खाद देकर अभी उगल ही देखते ना। उससे परिवहन किया गया 285 रुपए से 1000 रुपए तक का परिवहन का व्यय उसमें दिया। अभी मैं उसको नहीं पूछा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत क्लियर कट है कि मैं प्रमाण दे रहा हूं कि शेष की राशि का मैंने बताया। ऐसी बुद्धि आप लोगों ने कहां से जुटाई? उस बुद्धि को तो हमको बताइए, उससे चरण स्पर्श करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा, राइस के बारे में बोल रहे हैं कि और कोई दूसरी? नहीं भैया, मेरा 11वां नंबर के बारे में बोल रहा हूँ। ये आप चरण स्पर्श करेंगे, ये बुद्धि वाले का? नहीं, चरण जी बैठे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। चरण स्पर्श करेंगे उसका दिन भर कर लूंगा मैं। चलिए ठीक ठीक है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पेरा खरीदी जो की गई, उसका दर किस आधार पर कैसे निर्धारित किया गया? एक सहायक प्रश्न उसी का है, 14वां वित्त आयोग और गोधन न्याय योजना जो बनाई गई थी, उससे पेरा खरीदी की जा सकती है क्या? 14वां 15वां वित्त आयोग से और गोधन न्याय योजना के पैसे से पेरा खरीदी की जा सकती है क्या? दर का निर्धारण और उन दोनों मद से गोबर की खरीदी की जा सकती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पेरा खरीदी नहीं की गई है, पेरा दान में मिला है। पेरा दान का, चलिए ये भी अच्छा है। पैरा दान के, सही में मैं गलत प्रश्न किया था, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। पैरा दान के परिवहन में आप 14वां 15वां वित्त आयोग या गोधन न्याय योजना के राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? उसके योजना में है क्या? और 45 लाख टन को तौलाने में आपने कितना पैसा खर्च किया? कैसे निर्धारित किया उसको? माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा परिवहन के लिए जो भुगतान की राशि की गई है, उसका प्रावधान योजना में था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है, उसका उत्तर नहीं आया। मैंने कहा दर का निर्धारण किस आधार पर हुआ? 14वां 15वां वित्त आयोग से पैरा परिवहन किया जा सकता है, यह है क्या? दूसरा, गोधन न्याय योजना की जो योजना बनाई थी, उसमें पैरा परिवहन किया जा सकता है क्या? एकदम बहुत स्पष्ट प्रश्न है ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो गौठान प्रबंध समितियां हैं, उनको प्रबंध समितियों को 21-22 में 24 करोड़ 80 लाख रुपए, 22-23 में 28 करोड़ 26 लाख 50 हजार रुपए और इस प्रकार से कुल 53 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपए की राशि इनको दी गई है, जो गौठान समितियां हैं, और गौठान समितियों ने परिवहन में इसका व्यय किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जो उत्तर आप देख लीजिए, 14वें 15वें वित्त आयोग की मद से किया गया है, गोधन न्याय योजना 14वें, प्रश्न में ही मैंने पूछा है गोधन न्याय योजना और 14वें 15वें वित्त आयोग से पैरा परिवहन किया जा सकता है क्या? अब दूसरा, आपने जब 53 करोड़ का हिसाब दिया है, तो 53 करोड़ रुपया कौन कौन से, मेरे पास पूरी जानकारी है, मैं इसको पूछ चुका हूँ, 53 करोड़ रुपया कौन कौन से मद का गोठान समिति को स्थानांतरित किया गया? ये माननीय अध्यक्ष महोदय, 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के पैसे को गौठान समितियों को स्थानांतरित किया गया है, जो 4651 स्वावलंबी गौठान है, उनको 40,000 रुपए पर गौठान दिया गया है, और 3529 जो सक्रिय गौठान है, उनको 30,000 रुपए प्रति गौठान की तरफ के हिसाब से राशि जारी की गई है, और इसी राशि में से गौठानों ने पैरा परिवहन की राशि को भुगतान किया। अब आप परिशिष्ट खोल लीजिए, जो मैं खोलना चाहता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, जितनी राशि ये बता रहे हैं और भुगतान को देख लीजिए, किसी भी जिले का, एक जिले के भुगतान को जो लाखों में, आप 53 करोड़ रुपया तो स्थानांतरित किए, 14वें 15वें वित्त आयोग की राशि पंचायत की है, वो गौठान समिति को किसी सूरत में स्थानांतरित नहीं हो सकती। आपका कथन गलत है। गलत है नहीं बोलता, सही नहीं है। दूसरी बात यह है, 3 दिन पहले मेरे प्रश्न के उत्तर में, मैंने प्रतिवेदन में मैंने कहा था कि 14वें 15वें वित्त आयोग के जो नाम्स बने हैं,
स्वच्छता, पेयजल, अधोसंरचना, विद्युतीकरण, शिक्षा, परिसंपत्ति का रख रखाव पंचायत की राशि है। आप एक उदाहरण मुझे बता दीजिए कौन से पंचायत को स्थानांतरण किया गया है 14वें 15वें वित्त आयोग की राशि, गोठान समिति को, एक जिला एक पंचायत का उदाहरण दीजिए एक। और दूसरा 54-53 करोड़ का जो हिसाब बताया वो कौन कौन से मत का है? थोड़ा प्रेम से पूछो, नाराजगी से नहीं, नाराजगी एकदम मेरी आवाज है, आप एकदम प्रेम से पूछिए। आप 20 साल से मेरी आवाज ऐसी पैदेशी जो उसने भैया हमारे तोर पैसा खाते पैसा खाते कर अभी उगल ही देखबे ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि 14वें और 15वें वित्त आयोग की जो राशि है उसमें से इसको गोठानों को राशि, मेरा उत्तर नहीं आ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। 14वें 15वें वित्त आयोग की एक पंचायत बता दीजिए, एक जगह बता दीजिए कि इस पंचायत या इस जिले से इतनी राशि गोठान समिति को स्थानांतरित की गई, जो आपने कहा गोठान समिति को स्थानांतरित की गई 14वें 15वें, एक उदाहरण बता दीजिए कौन से जिले में किस प्रक्रिया के तहत उसको स्थानांतरित की गई, फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा। सभी जिलों में और सभी गोठानों को स्थानांतरित की, यह फिर परिशिष्ट देख लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय। 14वें 15वें वित्त आयोग से सिर्फ 3 जिले में भुगतान हुआ है, सभी में कहां से आ जाएगा? सिर्फ 3 जिले में भुगतान हुआ, आप परिशिष्ट देख लीजिए। तो माननीय मंत्री जी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं अभी कहे कि सभी जिलों में 14वें 15वें वित्त आयोग से भुगतान हुआ है, बाकी जगह गोधन न्याय से भुगतान हुआ है। तो आप जब 3 जिले में भुगतान हुआ तो आपने कैसे कह दिया कि सभी जिलों में नहीं है? 14वें 15वें वित्त आयोग की राशि में रख रखाव का एक मद है और दूसरा जो मूल अनुदान का अनाबद्ध राशि है उसमें से 10% राशि जो है व्यय में और संचालन में खर्च की जा सकती है और उस राशि में से इन्होंने पेमेंट किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं विषय में आपको बता दूं, 14वें 15वें वित्त आयोग की राशि से पैरा परिवहन नहीं किया जा सकता, न रख रखाव की वो पंचायत की परिसंपत्तियों का रख रखाव कर सकते, पैरा परिवहन रख रखाव नहीं है। और 3 जिले में हुआ है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सभी जिलों में ये राशि दी गई है करके, आपके सामने ही आप परिशिष्ट देख लीजिए। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, पिछले उत्तर में इन्होंने मुझे जवाब दिया था 14 दिसंबर 2021 माने प्रश्नोत्तरी 14 दिसंबर की, कि शेष की राशि से शेष जो लगा है गोठान शेष जो लगाया था उसकी राशि से पैरा परिवहन किया गया। अभी 14वें वित्त आयोग और गोधन न्याय योजना, अभी मुझे बताया नहीं गोधन न्याय योजना से क्या पैरा परिवहन किया जा सकता है, इसका उत्तर नहीं दिया। क्या 53 करोड़ रुपया जो स्थानांतरित किया आपने वो कौन कौन से मत थे ये बता दीजिए, जो गोठान समितियों को दिए, इस मत की राशि गोठान समिति को दी गई जो आपने उल्लेख किया। मैंने बताया ना कि जो 10% राशि अनाबद्ध राशि है वो 14वें 15वें आयोग का बताया, उसके 10% राशि से किया गया नहीं। और दूसरा 1.86 लाख 67 हजार रुपए 14वें 15वें वित्त आयोग से और मूलभूत की निधि से 90 लाख रुपए ये भी पेमेंट किया गया। नहीं अध्यक्ष महोदय, वो तो 3 जिला है मात्र, आपने सब जिला कह दिया था। मैं शुरू से पूछ रहा हूँ गोधन न्याय योजना की स्कीम में पैरा परिवहन किया जा सकता है क्या? एक, और जो आपने 28 करोड़ और 24 करोड़ गोठान समिति को स्थानांतरित किया जिससे पैरा परिवहन हुआ, वो 24 करोड़ और 28 करोड़ कौन कौन से मत के थे? यही तो भ्रष्टाचार है असली, जब बताएंगे तो। माननीय 14वें और 15वें वित्त आयोग की राशि में 10% पैसा इस काम में खर्च करने की अनुमति है और उसी राशि से ये पैसा खर्च किया गया है। गोधन न्याय योजना के मद से 53 करोड़ 50 लाख रुपए दिया गया है जो मजदूरी और परिवहन व्यय में खर्च किया गया। और आपने शेष से गोबर यह परिवहन नहीं किया, शेष की राशि से पैरा परिवहन किया है कि नहीं किया ये बता दीजिए मुझको, ये मैं जानकारी प्राप्त करके आपको बता दूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके सामने प्रमाण दे रहा हूं कि 14 दिसंबर अध्यक्ष जी ये प्रश्न कथा पहले चली जो खा रहे हैं रुको, तो तुम्हारे हमेशा गोबर ही भरे, जब देखे गोबर गोबर गोबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, राम कुमार जी आप बैठिए। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अलग से जानकारी नहीं चाहिए, यदि मुझे सदन में चाहिए जानकारी। यदि आप अधिकारी बैठे नहीं संतुष्ट नहीं है तो दूसरे विकल्प भी होते हैं प्रश्नकाल में, यदि संतुष्ट नहीं है तो चर्चा भी ले सकते हैं। सर आप
चार दिन का समय है, यदि आप चर्चा स्वीकृत करेंगे तो मैं चर्चा कर दूंगा, लेकिन मैं प्रमाण दे रहा हूं कि शेष की राशि 14 दिसंबर 21 के प्रश्न में 15 करोड़ रुपये राशि शेष की राशि इन्होंने उन्नयन बोर्ड जो बनाए हैं उसको स्थानांतरित की, उसने गोठान समिति को स्थानांतरित की कि ये पैरा ढुलाई के लिए है करके, शेष की राशि 14-15 वित्त की राशि, फिर गोधन न्याय योजना की राशि जो गोबर खरीदी के लिए है, पैरा परिवहन के लिए नहीं है, तो ये शेष की राशि का उपयोग किया गया है, मैं प्रमाण दे रहा हूं, टेबल कर दूंगा, मेरे पास उसके परिशिष्ट है। अब इसमें आप व्यवस्था दे दीजिए आधे घंटे की चर्चा की, माननीय मंत्री जी जांच करवाएंगे उसकी, अब उसके बाद मैं दर पर पूछूंगा, यदि जांच की घोषणा होगी तो दर पर नहीं पूछूंगा मैं, नहीं तो दर पर पूछूंगा, तो दर में लिखा है परिशिष्ट पढ़िए ना, स्वविवेक और दूरी के आधार पर जिसमें ढुलाया गया, कितने ढुलाया, कौन सा दर है, बोझा के हिसाब से दिए कि मेटाडोर के हिसाब से दिए, गाड़ी के हिसाब से दिए, ट्रक के हिसाब से दिए, कितनी दूरी दिए। चलिए नहीं, पहले एक का मैंने पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय जो उनके पास में पूर्व की जानकारी है, निश्चित रूप से गोधन न्याय योजना में पैसे ट्रांसफर किए गए और हमने जो खर्च किया है वो सरकार ने जो खर्च किया वो गोधन न्याय योजना से खर्च किया है, इसलिए उनके पास से पूर्व की जानकारी वो भी सही है, हमने जो गोधन न्याय योजना में पैसे आए और उस गोधन न्याय योजना से इसको खर्च किया है, और जो परिवहन का रेट पूछ रहे हैं कि ट्रैक्टर और जो छोटी गाड़ियां थी उससे परिवहन किया गया, 285 रुपए से 1000 रुपए तक का परिवहन का व्यय उसमें दिया है। अभी मैं उसको नहीं पूछा, माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत क्लियर कट है कि मैं प्रमाण दे रहा हूं कि शेष की राशि का मैंने बताया कि पैरा ढुलाई के लिए उपयोग हुआ है, जिसको इसमें छिपाया गया, मैं अभी टेबल कर सकता हूं उस प्रमाण को, आप अनुमति देंगे तो। मैं ये कह रहा हूं कि पैरा ढुलाई में दूरी के आधार पर आप जो 250-285 से 1000 बता रहे हैं, एक जिला आपने भुगतान किया होगा 14-15 वित्त आयोग से, कोई भी एक जिला पकड़ लीजिए उसमें जांच करवा दीजिए, यदि पैरा आप प्रश्न कर लीजिए ना। अरे साहब मैं आप सीधे प्रश्न कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करवाएंगे क्या, विधानसभा को गुमराह किया जा रहा है, विद्वान जी जांच कराएंगे क्या, निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक समिति से, चलिए विधायक पूर्व मंत्री जी इसमें भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है, कुल मिला के उनका ये प्रश्न है, तो उन्होंने जांच की मांग की, निश्चित रूप से हम वरिष्ठ अधिकारियों की समिति से विधायकों की समिति जांच करवा लेंगे, विधायकों क्योंकि यह कागज में पैरा ढुलाई हुई है, 45 लाख टन किसमें तौलाए हैं उसकी एक रसीद बता दो मेरे को, आपके अधिकारी बैठे हैं भेज दे, 45 लाख जांच के लिए सहमत हो गए हैं, नहीं तो अधिकारियों से नहीं, उन्होंने किया धरा है सब, मैं तो विधायक की समिति या प्रश्न संदर्भ समिति से मांग कर रहा हूँ, जबके अधिकारी मन तुम्हारे प्रश्न काल में नहीं खड़े होते। माननीय अध्यक्ष महोदय आपने जांच की बात कही, मैं उससे विनम्रता पूर्वक आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आप पैरादान हुआ ही नहीं है, दूसरी बात कह रहा हूँ मैं, 53 करोड़ रुपये कागज में बुक हुए हैं, ये मेरा आरोप है, और ये जिन लोगों ने किया आज ठीक है विभाग बदल गए हूं, लेकिन आप विधायकों की समिति से करवाइए ना इसकी जांच, अधिकारियों से जांच में कोई वो तो हेरा फेरी हो जाएगी पूरी, या प्रश्न संदर्भ समिति से जांच करवाने की। माननीय अध्यक्ष महोदय अगर आपकी सहमति होगी तो प्रश्न संदर्भ समिति, प्रश्न संदर्भ समिति से जांच करवाएं। धन्यवाद जी, मंत्री जी धन्यवाद, लता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय पैरे की बात आई है, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं गोबर की बात भी करना चाहूंगी, गोबर खरीदी के लिए सरकार ने अलग से कोई मद रखा है या फिर जो जानकारियां यहां पे दी गई थी अलग अलग रखा है, या बजट में स्पेशल इसके लिए कोई अलग से मद रखा गया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय जो गोठान समिति है उसके माध्यम से ही गोबर खरीदी का मद रखा गया है।